Hello students, welcome to Educraft Academy. In the last class we have studied about stomach, and now in today's class we'll study about small intestine. Small intestine is distinguishable into three regions. It has three regions. First is C-shaped duodenum. First is C-shaped duodenum. Then a long coiled middle portion, that is jejunum. And a highly coiled ileum. ठीक है, तो first is proximal part, that is C-shaped duodenum, middle part jejunum, and distal part is ileum. ठीक है, and now this wall of small intestine, it also has the four layers which were present in stomach. ठीक है, serosa, muscularis, all those four layers that were present in stomach, all those four layers are also present in small intestine. ठीक है, के पार्ट्स क्या है, सी शेप्ड ड्यूडेनम, लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन जेजुनम, एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम. ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम. नाउ सी द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर. पाइलोरिक स्फिंक्टर, लास्ट क्लास में स्टमक में हमने देखा था पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, राइट? पाइलोरिक स्फिंक्टर, इट इज अ स्फिंक्टर, मींस इट इज अ रिंग ऑफ मसल्स, इट इज अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स. इट इज अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर. एंड सेकेंड वन, दैट इज इलियोसिकल वाल्व. इलियोसिकल वाल्व विच ओपन इंटू लार्ज इंटेस्टाइन. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, पहले तो एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से स्टमक में फूट जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? स्टमक विल, फूड विल पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन. तो स्टमक से जो फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट विल बी थ्रू ओपनिंग ऑफ स्टमक इन ड्यूडेनम इज पाइलोरिक स्फिंक्टर. नाउ दिस ओपनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन लार्ज इंटेस्टाइन, इट विल बी बाय इलियोसिकल वाल्व विच विल ओपन इन टू लार्ज इंटेस्टाइन. समझ गए आप उसके पार्ट्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व, इलियम ओपन्स इन टू लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, इलियम विल ओपन इन लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, चलो अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है. तो सबसे पहली चीज तो स्टमक, देखो स्टमक में क्या हुआ था, प्रोटीन्स का डाइजेशन, राइट? वो भी कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हुआ था. वहां पर क्या हुआ था, प्रोटीन गेट्स ब्रेक डाउन इंटू पेप्टॉन्स, प्रोटीएसिस, राइट? प्रोटीओसिस. तो यहां पर क्या होगा, कंप्लीट डाइजेशन जो होगा दैट विल बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, डाइजेशन, सभी चीजों का डाइजेशन होगा यहाँ पर. तो जो प्रोटीन्स है उनका भी डाइजेशन होगा यहाँ पर. ठीक है, तो इसके लिए, डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, सरफेस एरिया, है ना? मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड. यहाँ पर क्या होने वाला है, डाइजेशन. सो फॉर डाइजेशन मोर सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड. तो वो सरफेस एरिया किससे आएगा, बाय विलाई. ठीक है, बाय विलाई, विलाई आर प्रेजेंट. ठीक है, विलाई, तो विलाई जो होते हैं उनके जो सेल्स है वो कौन से सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनर सेल्स. ठीक है, विलाई, विलाई का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और उसके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉलमनर सेल्स. नाउ दिस कॉलमनर सेल्स दे आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स. देखो एंटेरो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन. वर्ड एंटेरो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन. ठीक है, इसीलिए इन सेल्स को कह दिया है एंटेरोसाइट्स. नाउ दिस एंटेरोसाइट्स गिव राइज टू माइक्रोविलाई. ठीक है, तो सबसे पहले तो विलाई, राइट? विलाई, स्ट्रक्चर ऑफ विलाई, उसके ऊपर कॉलमनर सेल्स, दे आर कॉल्ड एंटेरोसाइट्स, एंड दे गिव राइज टू माइक्रोविलाई. बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोविलाई. नाउ दिस विलाई एंड माइक्रोविलाई बोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया, बोथ इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन. ठीक है, समझ गए आप इतना. और ये जो विलाय है इनके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर ब्लड वेसल्स, इसके साथ साथ लैक्टियल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लैक्टियल्स भी प्रेजेंट होते हैं. लैक्टियल्स आर प्रेजेंट इन विलाय, एंड दीज लैक्टियल्स दे ओपन इन टू लिम्फेटिक वेसल्स. ठीक है, दे ओपन इन लिम्फेटिक वेसल्स. चलो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है. देखो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्क्यूलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? हमने देखा वो फोर लेयर्स स्टमक में प्रेजेंट है, वही सेम फोर लेयर्स स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट है.
और जो मस्कुलरिस लेयर है इट जनरेट्स मूवमेंट्स, मूवमेंट होगा तो उससे मिक्सिंग अप हो जाएगा फूड, राइट, फूड का मिक्सअप हो जाएगा. दीज मूवमेंट्स हेल्प इन अ थरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशंस इन इंटेस्टाइन, देयर बाय फैसिलिटेट्स डाइजेशन. ठीक है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आई कि हमने क्या देखा था वहाँ पर, म्यूकस नेक सेल्स दे सिक्रीट म्यूकस, देन पराइटल सेल्स और ऑक्सेंटिक सेल्स दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक, राइट, वो सब चीज़ें वहाँ पर रिलीज हुई हैं. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या रिलीज हुआ है, कौन से सिक्रीशंस हैं, तो देखो बाइल पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस. ठीक है, थ्री थिंग्स, बाइल पैंक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस आर रिलीज्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में किस डक्ट से आ रहे हैं, डक्ट का नाम आएगा आपको, डक्ट का नाम, तो डक्ट इज हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एट स्फिंक्टर ऑफ ओडी, एट स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ठीक है, ये चीज याद कर लो, ये चीज नोट डाउन कर लो, ये अंडरलाइन कर लो बुक में, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट विच इज डायरेक्ट विच इज गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ठीक है, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट और स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए कि पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड थ्रू हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड दिस डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर, बाय अ स्फिंक्टर, दैट इज स्फिंक्टर इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडी. और स्फिंक्टर क्या होता है, रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स. ठीक है, ओपन क्लोज रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स, समझ गए ना आप, हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट स्फिंक्टर ऑफ ओडी. ठीक है, अब देखो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, दैट इज ट्रिप्सिनो. देखो इनएक्टिव एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है दैट इज कॉल्ड साइमोजन. साइमोजन मीन्स इनएक्टिव फॉर्म, इट एंड नाउ दिस इनएक्टिव फॉर्म इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म. ठीक है, ये जो एंजाइम्स है ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं और इन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, साइमोजन यानी इनएक्टिव फॉर्म. ठीक है, चलो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पैप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लीज. ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पैप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लीज. ठीक है, हमने क्या देखा कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ये एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे, एंटेरोकाइनेज इट विल कन्वर्ट दिस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजेन इंटू ट्रिप्सिन. Enterokinase, it will convert this chymotrypsinogen into chymotrypsin and this procarboxypeptidases into procarboxypeptidase. ठीक है, ये बहुत important है, ये सारे नाम बहुत important है. ठीक है, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylase, lipase, nucleases. Trypsinogen is activated by an enzyme एंटेरोकाइनेज. देखो एंटेरो यानी इंटेस्टाइन. ठीक है, एंटेरोकाइनेज सिक्रीटेड बाय इंटेस्टिनल म्यूकोजा इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन. ठीक है, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज. इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इंटू एक्टिव ट्रिप्सिन बाय एंटेरोकाइनेज. नाउ दिस ट्रिप्सिन विच इन टर्न विल एक्टिवेट other enzymes in pancreatic juice, it will activate other enzymes. This the bile, चलो इनके पहले देख लेते हैं forms. चलो देखो हमने क्या देखा, trypsino क्या क्या release हुआ है pancreatic juice में, trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidases. It is converted into active form by enterokinase into trypsin, chymotrypsin, procarboxypeptidase. देखो अब क्या करेगा ये क्या करेगा कि जो प्रोटीन्स है, पेक्टोन्स है, प्रोटियोसेस है, उन्हें कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको और सिंपलर मॉलिक्यूल डाइपेप्टाइड्स में तोड़ दिया. ठीक है, देखो स्टमक में क्या हुआ था,
स्टमक में जो प्रोटीन्स था, प्रोटीन दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस, राइट। तो स्टमक फूड, सबसे पहली चीज तो हमने फूड ईट किया, राइट। तो जो फूड है वो माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स हो जाएगा, दैट पार्ट दैट इज कॉल्ड बोलस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बोलस। बोलस क्या है? द च्यूड फूड अलॉन्ग विद सलाइवा, दैट इज कॉल्ड बोलस। और फिर जो बोलस है इट विल पास थ्रू ईसोफेगस, इट विल एंटर द स्टमक, ठीक है, स्टमक में एंटर हो गया। अब स्टमक में वो किससे मिला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। दैट बोलस, दैट च्यूड फूड अलॉन्ग विद दैट हाइड्रोक्लोरिक गैस्ट्रिक जूस, अलॉन्ग विद दैट गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, दैट फॉर्म्स काइन, दैट फॉर्म्स काइन, ठीक है। यानी वो भी एसिडिक है, राइट। और वो उसमें क्या हुआ, स्टमक में द प्रोटीन्स दे गेट कन्वर्टेड इन टू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसेस, एंड नाउ दिस, नाउ ये जो बोलस है इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? पेप्टोन्स, प्रोटियोसेस, राइट। यहाँ तक का डाइजेशन स्टमक में हुआ है, तो अब इसके आगे का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, समझ रहे हो ना। पेप्टोन्स और प्रोटियोसेस कहाँ से आया? स्टमक से आया। अब ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, प्रोटीन्स का, प्रोटीन्स हो गया कन्वर्ट डाइपेप्टाइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीसैकेराइड स्टार्च, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डाइसैकेराइड्स बाय अमाइलेज, ठीक है। यानी अमाइलेज क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी। पॉलीसैकेराइड स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू डाइसैकेराइड्स। थर्ड थिंग, लाइपेज। लाइपेज क्या कर रहा है? फैट्स, फैट्स, फैट्स आर ब्रोकन डाउन, फैट्स आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेज इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। देन न्यूक्लिएज, न्यूक्लियसेस क्या कर रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। यू नो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, दैट इज न्यूक्लियोसाइड। एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? शुगर प्लस बेस, शुगर एंड बेस, शुगर एंड बेस इज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स का भी डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो क्या है? पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था? पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट थे? ट्रिप्सिनोजेन, पैंक्रियाटिक जूस, देखो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, राइट। छह प्रेजेंट है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनको क्या किया? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्ट पेप्टोन्स, प्रोटीन्स, प्रोटियोसेस इनटू डाइपेप्टाइड्स। देन अमाइलेज, अमाइलेज कन्वर्ट्स पॉलीसैकेराइड दैट इज स्टार्च इनटू डाइसैकेराइड्स। लाइपेज, लाइपेज इन कन्वर्ट्स फैट्स इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। देन न्यूक्लियसेस, इट कन्वर्ट्स न्यूक्लिक एसिड्स इनटू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब समझ गए पैंक्रियाटिक जूस से इतना क्यों हुआ, ठीक है। चलो अब इसके आगे का देखते हैं। यहां तक हमने समझ लिया पैंक्री, हमने पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट कर लिया, राइट। अब हम बाइल जूस का स्टडी करते हैं कि बाइल से क्या हो रहा है। चलो तो फिर द बाइल रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। व्हाट डज बाइल कंटेन्स? इट कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स। नेम द बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन, ठीक है। विच आर द बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन बाइल? बिलीरुबिन, बिलीवर्डेन, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम, ठीक है। बाइल कंटेन्स नो एंजाइम्स, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम, बाइल कंटेन्स बाइल पिगमेंट्स दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन, इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ से आए हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डेन, ये किस तरीके से फॉर्म हुए हैं? देखो आरबीसीज जो होते हैं ना, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, आफ्टर दैट आरबीसी गेट डिस्ट्रॉयड, एंड व्हेन आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है, देखो हीमोग्लोबिन, तो ये ब्रेक हो जाता है हीम और ग्लोबिन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन इट गेट्स ब्रोकन डाउन इन टू हीम
एंड ग्लोबिन, और जो हीम है वो भी स्प्लिट हो जाता है इनटू आयरन एंड पिगमेंट बिलीवर्डन। ठीक है, जो हीम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयरन और बिलीवर्डन, और ये जो आयरन है वो तो आयरन पूल में चला जाएगा, वापस से रीयूज हो जाएगा आयरन, और जो बिलीवर्डन है इट विल गेट रेड्यूस टू बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीवर्डन इट विल गेट्स रेड्यूस टू बिलीरुबिन, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, समझ आया आपको बाइल पिगमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, बाइल के अंदर क्या होते हैं बाइल पिगमेंट्स, ये कैसे फॉर्म होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 डेज। नाउ दिस आरबीसीज दे गेट डिस्ट्रॉयड एंड देन हीमोग्लोबिन गेट्स रिलीज्ड, एंड जब ये हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा हीम और ग्लोबिन में, जो हीम है वो भी ब्रेक हो जाएगा आयरन, वो हीम जो हीम है वो भी ब्रेक हो जाएगा आयरन और बिलीवर्डन में, और जो आयरन है वो तो रिसाइकल हो जाएगा वापस से रिसाइकल, और जो बिलीवर्डन है इट विल गेट रिड्यूस टू बिलीरुबिन, दीज आर द बाइल पिगमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइल सॉल्ट्स। दीज बाइल सॉल्ट्स दे हेल्प इन डाइजेशन। बाइल सॉल्ट्स क्या है, दे हेल्प इन डाइजेशन। देखो बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिशंस। इमल्सिफिकेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिशंस। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइल हैज नो एंजाइम, बाइल हैज नो एंजाइम, एंड बाइल का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि देखो फैट, अब यू नो दिस फैट और जो ऑयल है दे आर इमिसिबल, वो मिक्स नहीं होते। फैट और जो जैसे फैट्स और वाटर, फैट और वाटर है वो दोनों मिक्स नहीं होते, फैट और वाटर वो दोनों मिक्स नहीं होते। तो ये क्या करता है, ये उन दोनों को मिक्स करता है। कैसे, तो ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा जिसकी आउटर लेयर जो होगी, आउटर लेयर दैट विल बी वाटर लविंग। ठीक है, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगी, और जो इनर लेयर होगी दैट विल बी फैट, वो फैट को अट्रैक्ट करेगी। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन रिड्यूस करेगा और ये फैट के मॉलिक्यूल्स बना, फैट अट्रैक्ट हो जाएंगे और बाहर वाटर की लेयर होगी, बाहर वाटर की लेयर और अंदर फैट की लेयर, बाहर वाटर की लेयर और अंदर फैट की लेयर। इस तरीके से ये फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देंगे, और मिशेल्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, मिशेल्स फॉर्म हो जाएंगे। देखो व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इंटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल्स ब्रोकन डाउन इंटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स एंड मेड इन द फॉर्म ऑफ मिल्की फ्लूइड कॉल्ड इमल्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, जो लिपोलाइटिक एंजाइम्स यानी जो फैट को तोड़ेंगे, लिपोलाइटिक यानी फैट्स में क्या है लिपिड्स, उनको ब्रेक डाउन, लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो फैट्स को डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, लिपोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो फैट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि फैट और वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, फैट और वाटर इनसॉल्यूबल है, फैट और वाटर इनमिसिबल लिक्विड है, वो मिक्स नहीं होते, इसलिए लिपोलाइटिक एंजाइम्स डायरेक्टली उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो फैट्स को इमल्सिफाई कर देते हैं। बाइल सॉल्ट्स दे इमल्सिफाई फैट बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन। ठीक है, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं और उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में। ही स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिशेल। वो दो लेयर्स बना देते हैं, जो बाहर वाला लेयर है दैट विल अट्रैक्ट वाटर और जो अंदर वाला लेयर है दैट विल अट्रैक्ट फैट। ठीक है, अब इस तरीके से फैट्स अब इस तरीके से जो ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स बन गए तो इस तरीके से क्या होगा, फैट्स इजीली डाइजेस्ट हो जाएंगे लिपोलाइटिक एंजाइम से। ठीक है, चलो तो क्या देखा हमने, बाइल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बाइल पिगमेंट्स। व्हाट आर विच आर द बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। ये दोनों कैसे फॉर्म होते हैं, आरबीसीज गेट डिस्ट्रॉयड,
आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है, और हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो जाता है हीम और ग्लोबिन में, और जो हीम है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयरन और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। आयरन तो वापस से रिसाइकल हो जाता है, और जो बिलीवर्डिन है वो बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पैंक्रियाटिक जूस पढ़ा, फिर हमने बाइल पढ़ा। पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल वो दोनों रिलीज किससे होते हैं, थ्रू पेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। स्फिंक्टर क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। फिर देखो, इंटेस्टिनल म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गॉलब्लैडर सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गॉलब्लैडर सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉलब्लैडर सेल्स व्हिच सीक्रेट म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। अब ये म्यूकस की क्या जरूरत है, म्यूकस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता है स्टमक, ठीक है, स्टमक से जो फूड कंटेंट होगा वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक इज एसिडिक, राइट, तो जो एसिडिक कंटेंट है वो आएंगे इसमें, ठीक है, एसिडिक कंटेंट आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, तो म्यूकस क्या है, उस एसिड से प्रोटेक्ट करेगा इंटेस्टिनल म्यूकोजा को, ठीक है, एसिड से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसका जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज 7.8, ठीक है, म्यूकस का पीएच काफ़ी ज़्यादा है 7.8, तो वो इस तरीके से एसिड से इंटेस्टिनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। म्यूकस का फंक्शन समझ आ गया आपको, प्रोटेक्शन फ्रॉम एसिड एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ द सिक्रीशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोजा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉलब्लैडर सेल्स कॉन्स्टिट्यूट इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी थी, बाइल, पैंक्रियाटिक जूस, एंड थर्ड वन इज इंटेस्टिनल जूस। दिस इंटेस्टिनल जूस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, ठीक है, इंटेस्टिनल जूस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। वॉट इज सक्कस एंटेरिकस, द इंटेस्टिनल जूस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस, द इंटेस्टिनल जूस इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। देखो एंटरो वर्ड हर जगह आ रहा है, एंटरो वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। दिस जूस कंटेन्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, क्या क्या, डाइसेकेराइड्स दैट इज माल्टेज, डाइपेप्टिडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। देखो अब क्या है, अभी तक पैंक्रियाटिक जूस एक्ट हो चुका है, राइट, पैंक्रियाटिक जूस का काम हमने देखा था, प्रोटीन्स डाइपेप्टाइड्स बन चुके हैं, अमाइलेज से जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो डाइसेकेराइड्स बन चुके हैं, राइट, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। अब हम देखते हैं इनका काम, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पैंक्रियास प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड्स एन अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। देखो म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड, म्यूकस इट प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टिनल म्यूकोजा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, ठीक है। सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है। सब म्यूकोजल ग्लैंड कौन से हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। अब देखते हैं सक्कस एंटेरिकस क्या कर रहा है, देखो द एंजाइम्स इन सक्कस एंटेरिकस acts on the end product of above reactions, ठीक है। end product कहाँ पर, pancreatic juice से जो end products form हुए उन end products पर काम करेगा succus entericus। what is succus entericus, intestinal juice, ठीक है, and to form simple absorbable form, ठीक है। अभी तक तो ये सब not unabsorbable form में था, अब ये unabsorbable form से एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बन जाएगा, और कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, जेजुनम एंड इलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, वेयर इट विल गेट एब्जॉर्ब इन जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब एब्जॉर्ब कहाँ पर होगा, जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। डाइपेप्टाइड्स विल गेट कन्वर्टेड इन टू अमीनो एसिड, यू नो दैट की प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट, सो डाइपेप्टाइड्स कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड बाय डाइपेप्टिडेज। माल्टोज,
maltose will get converted into glucose and glucose by maltase, lactose, glucose and galactose by lactase, sucrose, glucose and fructose by sucrase, nucleotides, nucleotides convert into nucleosides, ठीक है, nucleotides is sugars plus base plus phosphate, nucleotide क्या है, sugars, base, phosphate, sugar, sugar plus base plus phosphate is nucleotide, nucleotidases convert, nucleotidases convert nucleotides to nucleoside, what is this nucleoside, sugar and base, sugar and base is nucleoside. Now it gets breakdown into sugar and bases by nucleosidases, by nucleosidases, ठीक है. Then there is diglycerides and monoglycerides. Diglycerides and monoglycerides will get converted into fatty acid and glycerol by lipases. This is very important. इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना, इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना, कौन से एंजाइम्स किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में काफ़ी बार पूछेंगे ये चीज़, ठीक है. डाइपेप्टाइड्स अमाइनो एसिड्स बाय डाइपेप्टिडेज, माल्टोज ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज माल्टेज, लैक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टेज, सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बाय सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइड्स शुगर बेस फॉस्फेट convert into nucleoside, sugar and base, gets broken down into sugars and base, ठीक है. ये आपको समझ आ गया कि जो end products थे pancreatic juice में, जो end products form हुए थे उसके digestion से, वो सभी यहाँ पर form हो जाने वाले हैं और absorbable form. और ये कहाँ पर absorb हो जाएंगे, ये सब duodenum में हो रहा है, ठीक है. ये सारे small intestine के parts हमने क्या देखे, proximal part, C-shaped, duodenum, then jejunum, then ileum, ये सभी absorbable form, the simple substances formed are absorbed in jejunum and ileum region of small intestine, ठीक है, absorbed in jejunum and ileum region of small intestine, and this breakdown of biomicromolecules mentioned above occurs in duodenum region of small intestine, ठीक है, सारे रिएक्शंस हो रहे हैं ड्यूडेनम रीजन में और एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज फॉर्म्स हो रहा है जेजुनम और इलियम रीजन में. एंड द अनडाइजेस्ट, अब सब पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा तो अनडाइजेस्टेड भी रहेगा, तो जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस है दे आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब, द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करेंगे, तब तक आप ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्टडी कर लेना अच्छे से, ठीक है. गुड बाय, टेक केयर.